केंद्रीय इस्पात मंत्री वीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी वेवचाना से बीजेपी की विधायक प्रेमलता सिंह ने कहा, पूरे देश में हरियाणा ऐसा राज्य है जहां पर खिलाड़ियों के लिए 2 गोल्ड मेडल जीतने पर HPS और SCS नौकरी दी जाती है, जिससे खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ता है। प्रेमलता सिंह प्रथला के गांव अटाली में कबड्डी टूर्नामेंट के अवसर पर पहुंची थी। इस मौके पर उनके साथ प्रथला के विधायक पंडित टेकचंद शर्मा भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। कबड्डी में अपने जोहर दिखाते नजर आ रहे हैं खिलाड़ी। गांव अटाली में रक्षाबंधन के अवसर पर आयोजित कबड्डी टूर्नामेंट में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं, जिसमें 71,000 का इनाम प्रथम आने वाली टीम को दिया जाएगा। वहीं दूसरे नंबर पर आने वाली टीम को 51,000 रुपए नकद पुरस्कार दिया जाना है। इस मौके पर विधायिका प्रेमलता ने जहां देश भर में अब तक टोटल 30 मेडल और उनमें से 7 गोल्ड मेडल लाने वाले खिलाड़ियों का हौसला अफजाई किया है, वहीं उन्होंने बताया कि कबड्डी हरियाणा का काफी अच्छा गेम है। हरियाणा में महिला कबड्डी की टीम भी काफी अच्छी है और सरकार का प्रयास है कि खिलाड़ियों को जिस तरीके से 2 गोल्ड मेडल लाने पर 3 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, वहीं उनको HCS और HPS की नौकरी भी केवल हरियाणा राज्य में दी जाती है। हरियाणा पूरे भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने अनेकों योजनाएं चलाई रखी है। ये गाँव अटाली में वैसे तो चौधरी वीरेंद्र सिंह जो केंद्र में इस्पात मंत्री हैं उनको आना था, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मैं उनकी धर्मपत्नी बतौर उनके नुमाइंदे यहाँ पे आई हूँ। और ये जो कबड्डी का जो मैच हो रहा है, तो मैं तो ये सोच रही थी, मैं कहा हमारा आज हरियाणा के ज़्यादा बच्चे खेल में बहुत आगे आ रहे हैं। अभी आज हम 7वां मेडल जीते हैं, वो बेशक पंजाब के हैं लेकिन है तो हमारे हिंदुस्तान के, और जैसे हम 30 से ऊपर मेडल जीत चुके हैं जिसमें से 7 तो गोल्ड है। उन गोल्ड में 2 हमारे हरियाणा के हैं, जिसमें एक तो आपने पता होगा पूनिया को गोल्ड मेडल मिला, इसी तरह मनीष फोगाट को गोल्ड मेडल मिला, और जो मेरठ के हैं उनको गोल्ड मेडल मिला, वो तो बिल्कुल ही बहुत कम उम्र के हैं। तो 7वां गोल्ड हमने कल जीता है। और इस तरह से जो प्रतिस्पर्धा होती है खेलों में, इससे नौजवान बच्चों का हौसला भी बढ़ता है। और जब ये हमारी सरकार, हरियाणा सरकार या केंद्र की सरकार उनको आर्थिक मदद भी देगी, उससे और ज़्यादा हमारे बच्चे ऊपर आएंगे और मेडल की टैली में और ज़्यादा ऊपर आएंगे। वहीं प्रथला के विधायक टेकचंद शर्मा ने बताया कि प्रथला में चाहे खिलाड़ियों की बात हो या फिर विकास की बात हो, प्रथला विधानसभा सबसे आगे है और आज यहां 26 टीमों ने इस टूर्नामेंट में भाग लिया है। इस तरीके से मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से प्रथला आए दिन नित्य नए आयाम स्थापित कर रहा है, वह सब बीजेपी की ही देन है। वहीं उन्होंने बताया कि आज इस मौके पर उन बच्चों को सम्मानित भी किया गया है जो शिक्षा व सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में अग्रणी रहते हैं। इस मौके पर 12वीं कक्षा में हरियाणा में टॉप करने वाली छात्रा को सम्मानित किया गया। अब मैं 12वीं कक्षा में मैंने हरियाणा में टॉप किया था, उसके लिए सम्मानित किया गया। आपने जो कहा खेलों के बारे में, नहीं, आज मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूँ अपने क्षेत्रवासियों को। रक्षाबंधन के दिन हर साल की भांति यहाँ अटाली में ये आयोजन होता है, इसमें 26 टीमों ने यहाँ पे भाग लिया और सबसे बड़ा सौभाग्य हमारा ये आज आना था चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को, बाकी अस्वस्थ होने की वजह से हमारी बहन, बड़ी बहन प्रेमलता जी यहाँ आई, उनका दिल की गहराइयों से हम यहाँ स्वागत करते हैं। जहाँ तक बात है प्रथला विधानसभा क्षेत्र की, प्रथला विधानसभा क्षेत्र किसी भी एंगल से कहीं पे भी कमजोरी की दृष्टि से नहीं है जी। हमारे यहाँ चाहे खेलों की बात हो, चाहे डेवलपमेंट की बात हो या अन्य किसी क्षेत्र में, ये बड़ा सौभाग्य है हमारा कि चहुमुखी विकास की तरफ हमारा क्षेत्र जा रहा है।